Administration! Hush me out! Hush me out! Shrine Board! Hush me out! Hush me out! Administration! Hush me out! Hush me out! अभी 6-7 महीने से हम भी बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। हमारा जो हमारा काम ही यही है, बिजनेस है, हम ढोल बजाते हैं माता जी ट्रैक पे। तो 6-7 महीने से हम बिल्कुल घर में बैठे हैं। तो आज देखो और भी काम चल रहे हैं बाज़ारों में, जो छोटे मोटे काम चल रहे हैं। तो हम श्राइन बोर्ड से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को भी कोई परमिशन दी जाए और हमारे जो घर का पालन पोषण जो चले। तो हम श्राइन बोर्ड से यही उम्मीद करते हैं कि हमको जल्द से जल्द परमिशन दी जाए। जय माता। जो प्रदर्शन है, ये जो पूरा प्रदर्शन है हमारी मजदूरी को लेकर है। आज आप देख रहे हैं कटरा में श्राइन बोर्ड की बैटरी कार चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, ऑटो चल रहा है, मार्केट में दुकानें खुली हैं, वैष्णो देवी ट्रैक में दुकानें खुली हैं बीच बीच में, लेकिन घोड़े वाले का इनकम ऑफ सोर्स जो पूरा का पूरा ट्रैक से जुड़ा हुआ है। अगर एक यात्रा आ रही है, यात्री का टेस्ट हो रहा है, रैपिड टेस्ट हो रहा है उसका, उसको जाने की अनुमति नहीं है। उसको अगर वो नेगेटिव है तो घोड़े वाले का टेस्ट करके उसको भी परमिशन दी जाए। और हम सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ मजदूरी मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। जो हम 6-7 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ हमारी जो हालत है, आज हम जो मतलब निवाला खा रहे हैं, वो एक शख्स जो है द्रूर से पंच सोनू ठाकुर जी, उनके माध्यम से हमें 6-7 महीने का राशन दिया गया है। लेकिन आज हमारे बच्चों की जो हालत है एजुकेशन को लेकर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज मतलब एक हफ्ता पहले मैंने अपने बच्चे की एडमिशन करवाई है, वो 10th से पास हुआ है, 11th में एडमिशन करवाई है। आप नहीं जानते वो एडमिशन मैंने कैसे करवाई है, वो मैंने अपनी बीबी की एक अंगूठी, सोने की अंगूठी गिरवी रख के उस बच्चे की एडमिशन करवाई है। मेरे 4 बच्चे हैं, वो उनकी तो एजुकेशन जाएगी अगर हमें रोज़गार नहीं मिला जल्द से जल्द। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से, श्राइन बोर्ड से ये कहना चाहते हैं कि 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर जो है हमारा रोज़गार हमें ट्रैक पे जाने की अनुमति दी जाए, और ताकि हमारा पालन पोषण जो है, हमारे बच्चों का पालन पोषण है, ज़िंदगी बसर हो सके। जय माता दी।